नोएडा में आइसक्रीम के अंदर ढक्कन पर कन खजूरा निकला। सेक्टर 12 में रहने वाली महिला ने शनिवार को ब्लिंकिट से आइसक्रीम ऑर्डर की थी। घटना के बाद पीड़िता ने कंपनी से शिकायत की, जिसके बाद रुपए रिफंड कर दिए गए। लेकिन इस तरह ऑनलाइन ऑर्डर में कभी कटी उंगली का मिलना तो कभी कीड़े का मिलना और कन खजूरी का निकलना सवाल खड़े करता है। इन दिनों गर्मी से हर कोई परेशान है, गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए लस्सी, शेक और तमाम तरीके की चीज़ बनाई जा रही है ताकि उनकी देखभाल की जा सके। मगर मुंबई के बाद नोएडा के सेक्टर 12 में एक महिला ने जब अमूल का आइसक्रीम ऑर्डर किया तो उसमें कन खजूरा निकला। वो महिला उस कन खजूरा को देख के डर गई। सोचिए, अगर वो कन खजूरा बच्चों के शेक में मिलकर पी जाते तो क्या हादसा हो जाता। देखिए, यही वो आइसक्रीम है और जो दीपा नाम की महिला है उन्होंने आइसक्रीम ऑर्डर किया था। इसको खोल के दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से ये कन खजूरा, सोचिए ये कन खजूरा अगर बच्चे खा लेते या आइसक्रीम का शेक बन जाता तो वो बीमार पड़ सकते थे, उनकी हालत गंभीर हो सकती थी। इससे पहले भी मुंबई के एक ऑर्डर में, यानी कि मुंबई में भी आइसक्रीम का ऑर्डर किया था, वहाँ कटी हुई उंगली मिली थी। हमारे साथ दीपा जी हैं जिन्होंने इस आइसक्रीम का ऑर्डर किया था ताकि अपने बच्चे को मैंगो शेक बना के पिला दें, उन्हीं से हम बात करते हैं। दीपा जी, आइसक्रीम आपने ऑर्डर किया जी। शेक बनाने के लिए कभी सोचा था कि इस तरह की घटना या लापरवाही सामने आएगी जिससे आपकी, आपके पूरे परिवार की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी? नहीं, सबसे ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये बॉक्स आज ओपन मैंने किया। मेरा 5 साल का बच्चा है, अगर इनकेस वो इस बॉक्स को ओपन करके खा लेता तो आज पता नहीं ईश्वर क्या करता। वो तो ईश्वर का सहयोग सपोर्ट है मेरे पे, तो मेरा बच्चा सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ब्राह्मण कुट की बेटी हूँ, मैं आज शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हूँ। अगर ये कीड़े वाला आइसक्रीम मैं भी खाती तो मेरी आत्मा कितनी दुखती हो मैं जानती हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे लग रहा है गर्मी बहुत, अगर आप सोचिए जब आपने ये ऑर्डर कब किया था, किससे ऑर्डर किया था और कौन इसे लेकर आया था, ये बताइए ज़रा। मैंने 11:26 ब्लैंकेट से ये इसको ऑर्डर किया था और सामानों के साथ मैंने अमूल आइसक्रीम भी किया था, तो 13 मिनट में मुझे डिलीवर हो गया था। जैसे मैंने बॉक्स ओपन किया तो मुझे ये कनखजूरा दिखा, उसके बाद मैंने ब्लैंकेट को मैसेज किया तो ब्लैंकेट का तुरंत एक्शन लिया और इसका 195 मुझे रिफंड वापस कर दिया। फिर ब्लैंकेट ने मुझे ये आश्वासन दिलाया कि हम लोगों ने अमूल को मेल कर दिया गया है, उनकी तरफ से आपको मैसेज या कॉल आएगा, आप बात कर लेना। बट अभी तक मेरे पास अमूल की तरफ से ना तो कोई मैसेज आया है ना कोई कॉल आया है। मैंने ट्विटर पे भी डाला हुआ है बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक। दीपा जी, इन सब को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि देखिए, ये आइसक्रीम अगर आपका बच्चा खाता, आप भी खाती, तो मुझे लग रहा है आप गंभीर बीमार पड़ सकती थी। तो किसको अपना इसका दोषी मानती हैं आप? देखिए, दोषी इसमें कौन है, अमूल ही है। और उन्होंने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, इतना बड़ा प्रोडक्ट होने के बावजूद ये छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि हवा से उड़ के आई है। जो इनकी लापरवाही की वजह से ही ये जो कनखजूरा है ये इसमें आया है। और इससे मेरे 5 साल के बच्चों को हो सकता था, मैं भी मैंगो शेक में अगर हम लोग नहीं देखते बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, हमारी जान भी जा सकती थी। क्योंकि आपको पता है कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है और फूड पॉइजनिंग किसी भी प्रकार से हो सकता है, और ये छोटा मोटा कीड़ा है नहीं ये। बिल्कुल, देखिए ये कनखजूरा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, तस्वीरों में दिखेगा कि कनखजूरा ये मरा हुआ है और कब से मरा हुआ है। इसका जहर पूरे आइसक्रीम में फैल गया होगा, उसके बाद सील पैक ये डब्बा था वो तो इन्होंने आइसक्रीम खोलने से पहले देखा। अगर बच्चे के डायरेक्ट हाथ में आइसक्रीम आता या कोई लापरवाही होती तो सोचिए कितनी बड़ी घटना सामने हो जाती। इससे पहले भी मुंबई में आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो उसमें कटी हुई उंगली मिली थी, और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ऐसे ही कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था तो उसमें चिकन लेग पीस मिला था। तो लगातार जो ऑनलाइन है और जो बाहर फूड स्ट्रीट है वहां इस तरह की मिलावटें सामने आ रही है, और इसमें जो हमारे फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी हैं उनको ध्यान देना होगा कि आखिर कब तक इस तरह के जो किस्से हैं चलते रहेंगे। क्योंकि ऐसे में अगर लगातार चलता रहा, सोचिए खुदा ना खास्ता ये आइसक्रीम बच्चे खा लेते या कोई और खा लेता तो गंभीर उसकी स्थिति हो जाती, बीमार पड़ जाता। फिलहाल दीपा जी ने यह आइसक्रीम बचा के रखा है, उन तमाम एविडेंस को अपने पास बचा के रखा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अधिकारी आए तो उसको दिखा सके कि किस तरीके से आइसक्रीम में कन खजूरा मिला है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के विजयपुर ब्लॉक के परान